Hello all, welcome to my channel Feast and Frolic. This is Supriya Jain. गर्मियों का मौसम आ गया है. गर्मियों के मौसम में हमारे किचन में एंट्री होती है किसकी? शरबत की, आइसक्रीम्स की, शेक्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए होली स्पेशल ठंडाई रेसिपी विथ नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर, नो एसेंस. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं शरबत से रिलेटेड कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी. सो लेट्स बिगिन विद आवर रेसिपी. ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बादाम, 1/4 कप मगज के बीज, 1/4 कप खरबूजे के बीज, 1/4 कप पॉपी सीड्स या खसखस, 1/3 कप सौंफ, 1/2 कप रोज पेटल्स, 4 अंजीर, 1/2 टेबलस्पून इलायची, 2 टेबलस्पून काली मिर्ची, 1/4 कप पिस्ता. अब हम एक बड़े बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे. सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमने 3.5 कप वाटर में सोक कर दिया था ओवरनाइट. अब ये रेडी है पीसने के लिए और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ठंडाई की. पीसने के लिए हम यही पानी यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे ड्राई फ्रूट्स का पानी है और ड्राई फ्रूट्स ने पानी को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है. हमारा पेस्ट पिसकर बिल्कुल तैयार है. हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट पीसना है और फिर इसे छानना है. पेस्ट को हमने हाथों से दबा दबा कर छान लिया है और इसमें हमने टोटल 5 कप पानी का यूज किया है. अब हम एक बड़ा टोपिया ले लेंगे. इसमें हमने 7.5 कप चीनी ऐड कर दी है और इसमें अब हम ये हमारी ठंडाई का पेस्ट भी ऐड कर देंगे. बोल में थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छे से सारे पेस्ट को ले लेंगे. अब हम इसको अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लेंगे और हम इसमें ये केसर ऐड कर देंगे. ये 1 ग्राम केसर है जो हमने 3 टेबलस्पून पानी में, गर्म पानी में सोक कर दी थी. हमने इसमें केसर भी अच्छे से मिक्स कर ली है. अब हम इसे गैस पे पकाएंगे. अब हमें इसे तेज आंच पर पकाना है. हमें इसे पकाते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं. इसमें अच्छा उबाल भी आ गया है. अब हमें गैस की वॉल्यूम को सिम और मीडियम करते रहना है, नहीं तो ये तुरंत उफन के बाहर भी आ जाती है. इस बात का खास ध्यान रखना है. अब इसमें हम 2 से 3 पिंच साइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे, नहीं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं. यह शरबत को क्रिस्टलाइज होने से बचाता है. कई बार थोड़े दिनों बाद शरबत की बोतल में चीनी क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है, मतलब चीनी जमना शुरू हो जाती है. साइट्रिक एसिड या नींबू का रस इसे रोकता है. लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं ठंडाई को पकाते हुए. ठंडाई हमारी बनकर तैयार है. यह ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी. इसे ठंडे होने में 5 से 6 घंटे लगेंगे. हम इसे ढककर ठंडी होने के लिए रख देंगे. घंटे हो गए हैं, ठंडाई हमारी ठंडी हो गई है और ये 3 बॉटल बनके तैयार हो गई. अब हम ठंडाई बनाएंगे. एक ग्लास में थोड़ी सी आइस क्यूब्स लेंगे, 1 कप से थोड़ा कम मिल्क लेंगे, 2 टेबलस्पून ठंडाई डालेंगे, थोड़ा केसर से गार्निश करेंगे, थोड़े से बादाम, थोड़े पिस्ता और ये थोड़े से रोज पेटल से. सो वी आर रेडी विथ आवर होम मेड डिलीशियस रिलिशिंग ठंडाई. नाउ इट्स द टाइम टू शेयर सम इम्पोर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू द रेसिपी. मैं हर साल शरबत घर पे बनाती हूँ. कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. अगर सपोज शरबत ठंडा होने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा पतला लगे तो आप उसको फिर से रीहीट कर सकते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिर से पका सकते हैं.
सपोज अगर आपको शरबत ठंडा होने के बाद बहुत एक्सेसिव थिक लगे, जो अनमैनेजेबल हो जाए, तो आप उसमें आधा ग्लास पानी को अच्छे से बॉईल करके, बहुत अच्छे से बॉईल करके शरबत में ऐड कर दीजिए, तो वो वापस से नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जो एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी होती है शरबत की। एंड इन केस अगर आप ऐसा रियलाइज करते हैं कि आपका शरबत साल भर चलेगा, आपकी बॉटल बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम नहीं होती है और खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप उसमें हाफ टी स्पून पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, एक प्रिजर्वेटिव आता है जो लिक्विड्स में यूज किया जाता है, वो ऐड कर सकते हैं। इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। प्रिजर्वेटिव को डायरेक्टली शरबत में ऐड नहीं करना है। प्रिजर्वेटिव को पहले एक बोल लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून प्रिजर्वेटिव डाल के और 1 टीस्पून या 2 टीस्पून शरबत ऐड करके उसको स्टर करके फिर उसको रिमेनिंग शरबत में ऐड करना है। ठंडाई की रेसिपी में जब हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सोक किया था, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले आप 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके फिर सोक करिएगा, क्योंकि वही पानी से हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पीसते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। एज होम मेड इज हैप्पीनेस। थैंक यू।